हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र का मैच के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 17:37 है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो एक कल सुबह को 9:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात की जाए, पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो जाए तो 300 से 310 का बीच में स्कोर बनेगा और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल सो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल सो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया तो इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत करना। आप कोई फेक टीम देख रहे, फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1294 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको वॉलेट कलर का जे है तो उसे पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ सब लॉसेस को कवर कर सकता है दोस्तों। फाइनल टीम के नीचे मैं 3 लिंक प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। एक है माय मास्टर 11, दूसरा कुबेरा और तीसरा विजन 11। तीनों आप कमाल कैप है दोस्तों। तीनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, मतलब आप तीनों में 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। पहला वाला दोस्तों माय मास्टर 11 का लिंक। माय मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल कैप है दोस्तों माय मास्टर 11। माय मास्टर 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं सो जाएगा, फिर डाउनलोड कर लेना। और दूसरा दोस्तों कुबेरा, कुबेरा के बारे में बात की जाए तो अगर कुबेरा में DUO का टीम में खेलेंगे दोस्तों तो आप 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5 प्लेयर होंगे, 5 प्लेयर आपको एक ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसी तरह एक प्लेयर को सिलेक्ट करके दे दूंगा दोस्तों। अगर आप कुबेरा में खेलेंगे तो आप 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों विजन 11, विजन 11 के बारे में बात करें तो विजन 11 में आपको डेली अधिक से अधिक 3 या 4 फ्री एंट्री मिलेंगे दोस्तों। इसमें आप एक भी विन कर लेंगे ना, अब तक आपको जितना लॉसेस हो सब लॉसेस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। विजन 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं सो जगह तुरंत डाउनलोड कर लेना दोस्तों। मेरे तीनों ऐप में मनी इजीली से अर्न कर रहा हूँ, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली से अर्न कर रहा हूँ, तुरंत लिंक से तीनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों लेट नहीं करते, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूँगा, एस नवल को दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन, आप इनको 100% पिक कर लेना। एस नवल, नवल का लास्ट मैच के स्टार्ट के बारे में बात की तो नवल ने लास्ट मैच में 153 बॉल्स पर 72 रन मारे। सो नवल ने लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन सो नवल, आप नवल को 100% पिक कर लेना। मैं नवल का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। आप बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने अंजिका रेहानो को पिक करूँगा, सरफराज खान को दोस्तों, और केदार जाधव को, ACC जायसवाल को दोस्तों, और ये जफर को, और एस वीर को दोस्तों। पूरा मैंने 6 बैट्समैन को पिक किया, 6 बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, आप 6 को 100% पिक कर लेना। और पी साहा को दोस्तों, पूरा मैंने 7 बैट्समैन को पिक किया। 7 बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो अंजिका रहाणे के बारे में बात करें तो अंजिका रहाणे ने लास्ट मैच में 104 बॉल्स पर 51 रन मारे। सो रहाणे ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया दोस्तों। और सरफराज खान के बारे में बात करें तो सरफराज खान ने लास्ट मैच में 155 बॉल्स पर 125 रन मारे। सरफराज खान ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया दोस्तों। महाराष्ट्र का टीम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडियन टीम के लिए खेलेंगे दोस्तों। T20 में सेलेक्ट हुए हैं गायकवाड हो गए हैं और त्रिपाठी को दोस्तों, दोनों सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों। और सूर्य कुमार यादव मुंबई का टीम का दोस्तों। और केदार जाधव का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात की थी, केदार जाधव ने लास्ट मैच 60 बॉल्स पर 66 रन मारे। सो केदार जाधव ने भी लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया दोस्तों। और ACC जायसवाल के बारे में बात की थी, जायसवाल ने भी लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया। जायसवाल ने लास्ट मैच में 60 बॉल पर 66 रन मारा था दोस्तों। और ये जफर के बारे में बात की थी, ये जफर ने लास्ट मैच में इनका स्टैट्स के बारे में बात की थी, 10 गेंदों में 10 रन मारा था दोस्तों जफर ने। और एस वीर के बारे में बात की थी, एस वीर ने लास्ट मैच में 46 बॉल पर 9 रन मारा था दोस्तों। और पी साहा के बारे में बात करते, पी साहा ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया है, 132 बॉल्स पर 87 रन मारता था। एस वीर ने भी, पी साहा ने भी लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया है। मैंने बैट्समैन में 7 बैट्समैन को पिक किया, 7 बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, आप 7 को 100% पिक कर लेना। मैंने 7 बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। आप ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने T-Cotin को पिक करूँगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर दोस्तों, आप इनको 100% पिक कर लें। T-Cotin के बारे में बात करें तो T-Cotin ने लास्ट मैच 96 बॉल पर 50 रन मारा था दोस्तों, और 30 ओवर
23 ओवर्स डाल के एक विकेट लिया था दोस्तों। कमाल का बैटिंग किया था, कमाल का बॉलिंग भी कोटिन दोस्तों। मैंने ऑलराउंडर में एक ऑलराउंडर को पिक किया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। अब बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने एम चौधरी को पिक करूँगा दोस्तों, टी दीक्ष पांडे को। पर मैंने दो बॉलर को पिक किया, दोनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब दोनों को 100% पिक कर लेना। दोनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करिए तो एम चौधरी के बारे में बात की थी। एम चौधरी ने लास्ट में जो 20 ओवर डाला था दोस्तों, 20 ओवर डाल के 2 विकेट लिए थे। और डिस्क पांडे के बारे में बात की तो डिस्क पांडे ने लास्ट में जो 24 ओवर डाल के 2 विकेट लिए, 4 विकेट लिया था दोस्तों। मैंने बॉलर्स में दो बॉलर्स को पिक किया, दोनों बॉलर्स ने लास्ट में से कमाल का बॉलिंग किया। दोनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है दोस्तों, दोनों को 100% पिक कर लेना। मैंने दोनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 7 बैट्समैन को पिक किया, और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने एक ऑलराउंडर को पिक किया, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैं 2 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक किया दोस्तों, इन 11 प्लेयर्स का स्टैट्स भी बता दिया। इन 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, इन 11 को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मैंने कप्तान में नाम बनाऊंगा सरफराज खान को, और वाइस कप्तान में आप रहाने को भी ट्राई कर सकते हो, जयसवाल को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने रहाने पर जाऊँगा वाइस कप्तान में दोस्तों। एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक किया एस नवल को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 7 बैट्समैन को पिक किया दोस्तों, पी साहा, केदार जाधव, अंजिके रहाणे और सरफराज खान को दोस्तों, और ये जफर को, और एशीष जायसवाल को, और एस वीर को दोस्तों। मैंने 7 बैट्समैन को पिक किया, 7 बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, सब 7 को 100% पिक कर लेना। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने एक ऑलराउंडर को पिक किया टी कोटेन को दोस्तों, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 2 बॉलर्स को पिक किया एम चौधरी और दिस्क पांडे को दोस्तों। मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहा है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट फोर्थ स्पॉट और 5 स्पॉट्स में 100% विन होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।